अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हम उस कलयुग की पूजा करते हैं। आज कोई ठाकुर की पूजा करे ना करे, कलयुग की पूजा सब करते हैं। पर दुख तो इस बात का होता है कि जो भगवान को, सनातन धर्म को नहीं मानते वो करें, अच्छी बात है। लेकिन दुख तो इस बात का होता है कि जिसने माथे पे तिलक लगाया हुआ है, जो माताएं कथा भी सुनती हैं, बहुत सारी भागवत भी सुनती हैं, वो भी अपने घर में कलयुग को पूजती हैं। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे कह रहे हैं, तो इसलिए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो विवाह संस्कार है उसका शुभारंभ हम गणेश पूजन से बाद में करते हैं। पहले मदिरा पान करवाकर कॉकटेल पार्टी के माध्यम से कलयुग महाराज को आमंत्रण देते हैं कि आइए कलयुग महाराज, हम बहुत बड़ा विवाह संस्कार करने जा रहे हैं, अपने बच्चे का, नाती का, पोते का, बेटे का, आइए आप, आपके बिना तो हमारी शादी होगी नहीं, क्योंकि हम सब आप ही के तो खानदान के हैं, आप ही के भतीजे हैं, आप हमारे चाचा जी लगते हैं। बोलो राधे राधे। तो मैं यही सोचता रहता हूँ कि फिर तो हमारा ये 7 दिन बैठना बेकार है, जब जीवन में भागवत सुनने के बाद भी किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं आता। एक दो को मना भी किया तो बोले अब हम सोचते हैं कि सभी आजकल ये कर रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, राम राम, लोग क्या कहेंगे। आधे भ्रष्ट तो हम इसीलिए हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जब हम मर के इस दुनिया से जाएंगे ना, जब यमराज यातना देगा, तो वो जो लोग क्या कहेंगे, आप कह रहे थे ना, एक भी आपके उस पाप में हिस्सा लेने नहीं आएगा कि थोड़े दो चार कोड़े मेरे को भी मार दो, क्योंकि मैंने ही इसको कहा था लोग क्या कहेंगे। लोग कुएं में कूदेंगे तो हम भी कुएं में कूदेंगे। इसका मतलब शास्त्र मार्ग प्रशस्त करता है, शास्त्र सुनने के बाद भी फिर भी हम यहाँ से कुएं में ही गिर रहे हैं, लोगों की देखा देखी में कि हमारे आगे वाला गिर रहा है इसलिए हम भी गिर गए, तो धिक्कार है ऐसी भागवत कथाओं के श्रवण से। समय की बर्बादी, इससे बढ़िया तो रजाई में बैठना अच्छा होता है। बोलो राधे राधे।